फिर प्यारे बच्चों, अब मैंने कुछ और एक वचन बहुवचन लिखे हुए हैं जो आपको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहला है एक वचन, यहाँ पर लिखे हुए हैं, फिर उनके बहुवचन, फिर यहाँ पर एक वचन, फिर यहाँ पर उनके बहुवचन। तो पहला शब्द है समोसा। समोसा एक है तो हम बोलेंगे समोसा। जब आपके सामने बहुत सारे समोसे समोसा पड़े हो तो आप क्या बोलेंगे कि समोसे हैं, ठीक है। मेरे सामने बहुत सारे समोसे हैं, ठीक। टुकड़ा, ठीक है। और किसी चीज के आप ज्यादा और भाग कर देंगे तो हम बोलेंगे उनको टुकड़े, टुकड़ा का टुकड़े। फिर है पहाड़ी। पहाड़ी जो पहाड़ होता है उसी को हम बोलते हैं पहाड़ी, ठीक है। तो पहाड़ी का हो जाएगा पहाड़ियां, पहाड़ी का पहाड़ियां, बहुत सारी हैं तो पहाड़ियां। तरकारी, तरकारी का हो जाएगा तरकारियां, ठीक है। तरकारी आप जानते होंगे जो सब्जी में जो होती है रस वगैरह होता है तो उसको बोलते हैं तरकारी, जो ज्यादा हुआ तरकारियां, ठीक है। कमरा, कमरा का हो जाएगा कमरे। एक घर में एक कमरा भी होता है और दो से ज्यादा, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, तब हम उनको बोलते हैं कमरे। लहर, समुद्र में उठने वाली जो लहर होती है, यानी जो समुद्र में हवा जब चलती है तो उसकी लहरें ऊपर ऊपर आती हैं, तो जब ज्यादा होंगी तो हम बोलेंगे लहरें, और अगर एक लहर है तो सीधा हम बोलेंगे उसको लहर। फिर है कपड़ा। एक कपड़ा है सीधा कपड़ा, बहुत सारे हो जाएंगे तो कपड़े। उसके बाद है मछली। मछली एक है तो एक मछली, ज्यादा होगी तो क्या बोलते हैं हम उसको, मछलियां, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अध्यापिका का हो जाएगा अध्यापिकाएं, ठीक है। जो आपकी कक्षाओं में अध्यापिका पढ़ाती हैं, अगर एक है तो अध्यापिका, और ज्यादा है तो हम बोले अध्यापिकाएं। कंघी, जो आप बाल बनाते हैं कंघी होती है, अगर एक है तो कंघी, ज्यादा है तो कंघियां। फिर है घड़ी, जैसे ये घड़ी है तो घड़ी, एक है तो घड़ी, ज्यादा है तो घड़ियां, ठीक है। चप्पल, चप्पल एक, ठीक है, ज्यादा है तो चप्पलें, चप्पल का चप्पलें। फिर है जूता। जूता का हो जाएगा जूते, जूता का जूते। उसके बाद है कक्षा, ठीक है, कक्षा का कक्षाएं। तो ये शब्द थे जिनके एक वचन और बहुवचन लिखे हुए थे, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और बार बार दोहराइए। धन्यवाद।